हाँ इस टाइम किसकी कॉल आ रही? ये तो मेरे से नाम ही काल है यार। अस्सलाम वालेकुम। ठीक शुक्र लगा, तू सुना। ओके 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 मैं आता हूँ। ओके क्या हुआ, इतना क्यों खांस रहे हैं? कुछ नहीं यार, मामूली खांसी। मैंने कहा भी डॉक्टर का चेकअप करा ले यार। मामूली खांसी सुबह तक हो जाएगी। ठीक चल ठीक है, फिर आराम कर तू। हाँ मैं सोता हूँ यार, मैं जूनी जा रहा हूँ, तू जाएगा? यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुझे लगा है मेरे से मिल जाए। यार तुझे रात को भी बोला था दवाई लेने, अब मैं जूनी जा रहा हूँ तो यहाँ से दवाई ले ले। चल ठीक है, अपना ख्याल रख। गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सोच रहा हूँ दवाई ले लूँ जाके अब तो। यार भाई मुझे ना शदीद खांसी है, थोड़ी तो अच्छी सी दवाई दे दे। यार ये ना थोड़ी हाई पुट। हाँ बेटा अभी इसको उठा ले, आप गया अच्छा यार। यार तुमने डॉक्टर से मेडिसिन नहीं ली? यार मैं फार्मेसी से लेकर मेडिसिन ठीक हो गया तुम्हें। यार तुमने इतनी बार बोली अच्छे से डॉक्टर से मेडिसिन ले ले। हाँ मैं लूंगा आज। यार क्या नाम है? यूसुफ राव। क्या ठीक है तेरे को? खांसी बहुत ज्यादा है और सांस लेने में तकलीफ है। सिगरेट पीने? हाँ जी सिगरेट बहुत ज्यादा। लंबे लंबे सांस हैं यार। आवाज तो आ रही नहीं भाई, ये कानों में तो लगाया वो। चलो अंगे टेंशन नहीं लेना तुम, ठीक है? मैं तो दवाइयां लेके रहना भी हूँ। अच्छा ये तय सुबह दोपहर शाम कहना है? तीन टाइम। तीन टाइम। अच्छा और इंशाल्लाह वो इतना भी दिन के अंदर डन डन थी वैसे हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ठीक है। जाने नहीं देंगे तुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नौशाबा।
पल्मोनोलॉजी एमडीआर यूनिट से, और मेरा तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि सिगरेट नोशी से गुरेज करें, क्योंकि ये आपकी सेहत, आपके प्यारों की सेहत के लिए इंतहा मुजरे सेहत है। अपनी जान से प्यार करें। किसी भी मसले या बीमारी की सूरत में अतायों के पास जाने की बजाय अपने घर के करीबी DHQ THQ हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट आपकी मदद और रहनुमाई के लिए हम वक्त मौजूद रहते हैं। इलाज की सहूलियात मुफ्त हैं। आप निश्चित अस्पताल मुल्तान में आ सकते हैं, जहाँ पे कंसल्टेंट हम वक्त आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं और आपको मुफ्त इलाज की सहूलियात दस्तियाब हैं। सबसे अहम और जरूरी पैगाम आप सबके लिए कि अपना डॉक्टर खुद बनने से गुरेज करें। गूगल से रहनुमाई लेकर अद्वियात की खरीदारी हरगिज ना करें, बल्कि हमेशा मस्तना डॉक्टर के नुस्खा पर इलाज करवाएं। और फार्मेसी वाले हजार से भी गुजारिश है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, मस्तना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हरगिज दवाई ना दें। अपनी जान की हिफाजत करें, अपने लिए, अपने अहले खाना की।